तो रोहित शर्मा जी थोड़ी सी समझदारी लाइए और धोनी के पास थोड़ा ट्रेनिंग लेने के लिए आप जाइए। आज धोनी बहुत याद आए, कैप्टन कूल मान गए, सैल्यूट है आपको। 2011 का वर्ल्ड कप, क्या आपने जो विनिंग शॉट्स लगा के हमको जिताया था, और आज रोहित शर्मा का उतरा हुआ चेहरा हमें देखने को मिला। इंडियन क्रिकेट टीम को एक अच्छा मौका मिला, लेकिन अपनी लापरवाहियों के कारण ये जो मैच है वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अपने हाथों से गवा दिया। कुछ कुछ इनकी कमियां रहीं जो आज हम आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहली कमी रही कि खराब कप्तानी। रोहित शर्मा अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए, कहीं ना कहीं एक बड़े मैच के दबाव को वो नहीं झेल पाए, और उसके साथ साथ जो दूसरे खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन हो या बॉलर्स हों, वो भी इस प्रेशर को नहीं झेल पाए। भाई मायने रखता है, नरेंद्र मोदी अहमदाबाद का जो स्टेडियम है उसमें 1,30,000 ऑडियंस थी, उसके बीच में बैटिंग करना, हमारे छोटे छोटे बच्चे लग रहे थे सारे के सारे बैट्समैन, चाहे आपके श्रेयस अय्यर हो, सूर्य कुमार यादव हो, शुभमन गिल हो, या खुद कप्तान रोहित शर्मा हो। आज का ये जो ICC वर्ल्ड कप फाइनल है वो हम जीत जाते, कहीं ना कहीं हमें बड़े खिलाड़ियों की जो कमी है वो आज के मैच में महसूस हुई, चाहे वो हमारे सहवाग हो, जहीर खान हो, युवराज सिंह हो, ये कहीं ना कहीं मैच में वापसी कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉलर्स ने पूरी तरह से निराश किया हो, जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे आपके शमी हो या बुमराह हो, इन्होंने बहुत अच्छी वापसी करी थी। शुरुआत में जो चौके छक्के जड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद फटाफट से 3 विकेट लिए, इनके बेचारों के पावर प्ले में ओवर्स ख़त्म हो गए, अब स्पिनर्स को लगाना पड़ा। स्पिनर्स ने विकेट लेने के बजाय कहीं ना कहीं अपने ओवर्स निकालने में ज़्यादा उनका ध्यान रहा। ऑस्ट्रेलिया की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, किस तरह से वो खेले, फील्डिंग ज़बरदस्त, बॉलिंग ज़बरदस्त, हाइट हेल्थ ज़बरदस्त, जिसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। और हमारे बच्चे, चाहे हमारे श्रेयस अय्यर हो, शुभमन गिल हो, छोटे छोटे बच्चे लग रहे थे उनके सामने, और फटाफट से उनको आउट कर दिया। लेकिन जब हमारे हाथों में बॉलर्स आई तो हम एक जो उनकी जोड़ी थी उसको हम आउट नहीं कर पाए। क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेविस हेड और लाबुसेम ने, ज़बरदस्त तरीके से प्रेशर को उन्होंने झेला, इसे कहते हैं बैटिंग। 3 विकेट गिर चुके थे, उम्मीद थी कि इनको भी हमारे जो बॉलर्स थे वो जल्दी आउट कर देते, लेकिन क्या करें, हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे उनके ओवर ख़त्म हो गए थे, कुछ ओवर्स बचे थे उनको बाद में वो फेंकने थे। स्पिनर्स से उम्मीद थी कि ये विकेट ले लेंगे, लेकिन जैसी उम्मीद थी कि हमें कहीं ना कहीं ड्यू का सामना करना पड़ेगा, ओस गिरी, उसके कारण हमें इस मैच को अपने हाथों से गंवाना पड़ा। चलिए तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस मैच का हाल हम आपको सुना देते हैं। इंडिया ये मैच हार गया, 6 विकेट से इस मैच को अपने नाम से किया ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बैट्समैन ने, बल्लेबाजों ने। क्या खेली ऑस्ट्रेलिया, जबरदस्त, 6 वर्ल्ड कप इस तरह से उन्होंने अपने नाम कर लिए। और हमारे जो रोए धोए हमारे कप्तान साहब है रोहित शर्मा, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। पहली तो उन्होंने बैटिंग में निराश किया, एक कप्तान की तरह वो खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। याद आ गए धोनी, आज धोनी ने जिस तरह से, अच्छी तरह से याद है युवराज सिंह और धोनी ने अपनी दावेदारी संभाली थी और विनिंग शॉट्स लगा के जिताया था, वो दृश्य आज याद आ गया। कुछ कुछ बिंदु हमने यहाँ पर नोटिस किए हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देख के हमें लगता है कि इसके कारण जो इंडिया है वो हारी है। सबसे पहला है फियर ऑफ फेलियर्स, मतलब कि हार का डर। 1,30,000 पब्लिक के बीच में मैच को खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़े प्रेशर का सामना हमारे बच्चों ने किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के सामने तो हमारे खिलाड़ी जो थे बच्चे ही लग रहे थे, KL राहुल, श्रेयस अय्यर। दूसरा जो कारण रहा, ओवर एक्साइटमेंट। विराट कोहली खेल रहे थे, रोहित शर्मा ने जब जिस तरह से पहला छक्का लगाया फिर चौका लगाया, उसके बाद वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्हें थोड़ा सा टिकना था वहाँ पर, थोड़ा सा देखना था कि यार अभी तो मैच 1 ही विकेट तो गिरा है, अभी थोड़ा सा मैच को हमें थामना था, लेकिन वो नहीं थाम पाए। कप्तान होने के नाते उन्हें थोड़ा सा रुकना था, ओवर एक्साइटमेंट में आ गए और अपना विकेट गवा दिया। उसके बाद ख़राब कप्तानी, कप्तान जो है वो उसके ऊपर पूरे की पूरी टीम को जिताने की जवाबदारी होती है, पूरी की पूरी टीम को चलाने की जवाबदारी होती है, लेकिन नहीं चला पाए।
खराब बल्लेबाजी। उम्मीद थी कि इस मैदान पर यदि टीम इंडिया 270 या 280 रन बना लेती तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के हाथ पांव फूल जाते, लेकिन 240 का छोटा सा स्कोर, वो भी किसके सामने, ऑस्ट्रेलिया जिसका अपने आप में शानदार प्रदर्शन रहा है और फाइनल के तो बेताज बादशाह हैं वो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के। देन जो हमें कारण समझ में आया वो था हमारे जो बॉलर्स थे वो फ्लॉप रहे, स्पिनर्स तो पूरी तरह से फ्लॉप रहे, क्या करें, लेकिन बेचारों की गलती भी कि हम क्या ही कहें, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था उस वहाँ पर गिरने लगी थी, तो जो कारनामा उनको दिखाना था वो प्रकृति ने उनका साथ नहीं दिया। बड़े खिलाड़ियों की याद आज हमको आई, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं बड़े मैच को निकालने में सक्षम नहीं है। आज हमें हमारे ज़हीर खान हो या फिर युवराज सिंह हो, MS धोनी हो, चाहे सहवाग हो, इन खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा याद आई। ये खिलाड़ी होते तो कहीं ना कहीं ये जो मैच है वो हमारे सामने आता। विराट कोहली का गलत समय पर आउट होना, विराट कोहली जो थे उन्हें उस समय पर थोड़ा सा और टिकना था, हालांकि KL राहुल ने दबाव को झेला और खेले वो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे टेस्ट मैच को खेल रहे हैं। 107 गेंदों में 66 रन, वो भी वर्ल्ड कप के फाइनल में, कहीं ना कहीं ये जो उनकी बैटिंग है वो सेटिस्फैक्टरी भी नहीं रही। बॉलिंग और फील्डिंग ने पूरी तरह से निराश किया, बिल्कुल भी खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बना पाए, टुक टुक करते 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 उनको एक एक रन बनवाते रहे। जैसे ही वो 100 रन की उनकी साझेदारी रही, उन्होंने फटाफट से मारना शुरू किया, 10 ओवर स्पिनर्स को उन्होंने झेला। हमारे स्पिनर्स ऐसे लग रहे थे जैसे वो इनको सिर्फ ओवर कटाने के लिए आए, मतलब किसी तरह से हमारे ओवर निकले और उसके बाद दूसरे जो बॉलर्स आएंगे उनकी जवाबदारी इन दोनों को आउट करने की। आउट करने का उनका जो था हमें मोटो दिखाई दिया ही नहीं। वहाँ पर जो अच्छी साझेदारी चल रही थी ऑस्ट्रेलियाई टीम की, ट्रेविस हेड और लाबुसेम, अच्छा खेला उन्होंने, स्पिनर्स के ओवर्स को काटा, स्पिनर्स की जैसे उम्मीद थी कि उसके कारण जो गेंद है उसमें नमी आएगी तो ज़्यादा स्पिनर्स काम नहीं कर पाएंगे, वैसा ही हुआ। स्पिनर्स जो थे वो फ्लॉप रहे, विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे। बाद में जिस तरह से हमारे जो फास्ट बॉलर्स आए ज़रूर, लेकिन तब तक जो दोनों ही खिलाड़ी थे, धुरंधर बल्लेबाज थे ट्रेविस हेड और लाबुसेम, वो मैच को, फील्ड को समझ चुके थे, जिस कारण से उन्हें आउट करना जो बाकी के गेंदबाज थे उनके वश में नहीं था। तो कहीं ना कहीं वन लाइन में हम कह सकते हैं कि आज सभी तरह से जो टीम इंडिया के खिलाड़ी थे उन्होंने हमें निराश किया। टॉस ही नहीं जीते, लक ने साथ नहीं दिया, अगर टॉस जीते आते तो उम्मीद थी कि जो टीम चेस करती है उस मैदान पर वो अक्सर जीतती है, और आज भी ऐसे ही हुआ, ये मौका हमको नहीं मिला। बल्लेबाजों को अच्छा खेलना था, दबाव नए हमारे खिलाड़ी थे, दबाव को नहीं झेल पाए वो, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान भी हमको उठाना पड़ा। हमारे जो बॉलर्स थे वो आज फ्लॉप रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें लगे कि कहीं ना कहीं इसके कारण जो टीम इंडिया है वो आज हारी, और 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं उनको एक बार फिर से इस टीम ने निराश किया। बहुत याद आए धोनी, आप सलाम है आपको एक बार फिर से।